भगवाकरण के खिलाफ उठे छात्र आंदोलन का गला घोटने के बाद सरकारी फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने परंपरा तोड़ते हुए एक सावरकर प्रदर्शनी रखी। विनायक सावरकर शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ जरूर लड़े, पर शायद अंडमान जेल की अमानुष सजा के कारण उन्होंने अंग्रेजों को कई माफीनामे लिखे और कहा, मेरी रिहाई मुझे एक नया जन्म देगी और मेरे दिल को इतना छुएगी कि मैं निजी तौर से आपसे जुड़ जाऊंगा और राजनीतिक तौर पर आपके काम आऊंगा। 1921 में रिहाई के बाद सावरकर कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोले। उन्होंने हिंदुत्व की संकल्पना रची और वे केवल हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ते रहे। 1948 के गांधी हत्या के मामले में उन पर भी मुकदमा चला। खून का सूत्रधार कहे जाने वाले सावरकर तकनीकी तौर पर छोड़ दिए गए। उनके शिष्य गोडसे और आप्टे को फांसी हुई। गांधी हत्या से हिल चुके देश ने सावरकर को जल्दी भुला दिया, पर जैसे जैसे कट्टरवाद पनपता गया उनकी याद ताज़ा होती गई। 2003 में भाजपा सरकार ने सावरकर की तस्वीर संसद में लगाई, ठीक उसी आदमी के सामने जिसके खून में वे आरोपी थे। राम के नाम पे आपकी नाथूराम की राजनीति एक्सपोज हो रही है, इसको ध्यान अच्छा ऐसा है, नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित नाथूराम गोडसे जी इतिहास याद रखेगा सुभ्रता जी, ये गद्दारी है, इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेड पर्सनालिटी होता है। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, शाबाश, चलिए बात बोलेंगे। आप कौन होते हैं लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले? जनता जज कर रही है, आप कौन होते हैं? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय है, था और रहेगा। अच्छा। जनता को इतना बुर्वक समझना ना बहुत गलत बात है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बोलो जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है।